प्रबल जी, मैं आपके पास और सीधे सीधे एक सीधी सी चीज पूछ ले रहा हूं, और वो इसलिए पूछ रहा हूं कि शायद आप इसको बेहतर ढंग से रोज महसूस करते हैं। मोदी जी वहां पे अपना प्रचार कर रहे हैं, भाई वो ठीक है, उनको प्रचार करने का उनको हक है, सारे चीफ मिनिस्टर प्रचार कर रहे हैं, और यहाँ पे हाईकोर्ट कह रहा है, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कह रहा है कि आप ठीक से ब्रीफ नहीं है, सरकार से सवाल नहीं के जवाब नहीं आ रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई करने वाला नहीं, कोई बात नहीं है, सब लोग प्रचार में व्यस्त हैं। तो मैं जो आपसे जो स्पेसिफिक चीज पूछ रहा हूं, अगर वो सब लोग प्रचार में व्यस्त हैं, तो जैसा रमाशंकर, आप लोग क्यों नहीं इस पे आवाज उठा रहे हैं? आप लोग तो इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग केवल बीजेपी खराब है और आरएसएस खराब है ये बोलते हैं, लेकिन जो कानूनी बात है उस पे क्यों नहीं आप लोग हल्ला मचाते हैं? प्रबल जी, देखिए, प्रचार में इस समय देश में दो प्रचारक हैं, आरएसएस के दो लाल, मोदी और केजरीवाल। ये दो लाल जो हैं, एक दिल्ली, दोनों दिल्ली छोड़कर भाग गए हैं गुजरात, और दोनों का तरीका भी काम करने का वही, पूरी पूरा सरकार लेके वो दोनों वहीं घूम रहे हैं। जहां तक आपने सवाल पूछा है कि बहुत सारी, अभी मैं देख रहा था, बात सुन रहा था कि कई खबरें नहीं आती हैं, टीवी नहीं करता है कवर, अखबार कवर नहीं करता है, तो मैं तो एक किसान परिवार से बड़ा इंस्पायर्ड हुआ जब मैं किसान आंदोलन के दौरान गांव-गांव घूम रहा था, तो कई किसान परिवारों ने अपने घर में टीवी टांग दिया है, लिटरली बता रहा हूं, टांग दिया उन्होंने, काम देखते ही नहीं। अब मैंने भी आने के बाद टीवी घर से निकाल के टांग रख दिया है, मैं भी टीवी नहीं देखता और अखबार भी नहीं पढ़ता हूं, और मुझे अगर कोई खबर वबर देखनी होती तो मैं आपका पब्लिक इंडिया निकाल के, या एक दो और चैनल है जिन पर भरोसा है मुझे, वही देख लेता, यूट्यूब चैनल, कि मुझे खबर मिल जाए कि कोई खबर आ गई। बड़ा आनंद में रहता हूं, क्योंकि एक बार जेल यात्रा भी किया हूं किसान आंदोलन के दौरान, तो वहां अखबार की कटिंग कट कट के आती, तो बड़ा वो होता है, मतलब जो पॉजिटिव खबरें रहती वही आती है, सरकारी खबरें नहीं मिलती, मतलब सरकार के विरोधी खबरें नहीं मिलती। तो यहां पर जो सरकार, अगर मतलब जो सरकार के समर्थन वाली खबरें हैं वो तो डीडी न्यूज पे आया करती थी, अब तो सारी सारी न्यूज चैनल ही डीडी न्यूज हो गए, अब तो एनडीटीवी भी बिक गया, अब तो अडानी टीवी हो गया। तो ये सब है। दूसरी चीज, आपने कहा कि कोर्ट क्यों नहीं बोलती है, कोर्ट क्यों नहीं कहती है। साहब, मुझे माफ करिएगा, कोलसे पाटिल साहब भी माफ करें, इनसे मुलाकात हुई थी अभी जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होनी थी, तब इनसे गांधी पीस फाउंडेशन में मुलाकात, मुझे माफ करिएगा, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के कोर्ट से ज्यादा मजबूत सिस्टम जुडिशरी का तो पाकिस्तान में। पनामा पेपर लीक आया और वहां की कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया और उसको हटना पड़ा नवाज शरीफ को, मरियम का नाम आया था उनकी बेटी का, जहां तक अगर मैं सही हूं तो। और यहां पे साहब हर चीज में ये गोचर भूमि, जो गाय की श्यामला भूमि होती है, हरियाणा में कहते हैं गोचर भूमि कहते हैं, सीएजी की रिपोर्ट है साहब, सीएजी की 2010-11-12 की, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गोचर भूमि जो है, गाय की भूमि, वह अडानी अंबानी टाटा को दे दिया उन्हें पौने दाम में, और ये गाय के बहुत बड़े भक्त बनते हैं। तो जो शब्द कोलसे पाटिल साहब ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं, अगर इनको जेल होती है तो शायद मुझे भी हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोलसे पाटिल साहब एक बढ़िया सा कमरा रखवा लीजिएगा, आजकल तिहाड़ में मालिश वालिश बढ़िया होती है, तो हम लोग दोनों लोग मालिश करवा लेंगे, मेरे भी कमर में L4-L5 में दिक्कत होती है, तो जरा देखिएगा, तो बगल वाला हमें भी रखवा लीजिएगा। तो सवाल यह है साहब कि स्थिति इस देश के अंदर, स्थिति इस देश के अंदर है क्या कि जो लोग इस देश के किसानों की जमीनें, गाय की जमीनें, 6% ऑफ कल्टीवेशन लैंड को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो होना चाहिए, वह जमीनें नरेंद्र मोदी की सरकार दे देती है, गुजरात की सरकार दे देती है, और उस मॉडल का जय जयकार होता है। तो मैं तो जनता से कहता हूं कि क्यों देखते हो टीवी,
टीवी देखना बंद कर दो, अखबार पढ़ना बंद कर दो, ये दो चीज जनता करना बंद कर दे, ये सब सही होने लगेगा। इतना ज्यादा 2012 से पहले सारा, मुझे लगता है देश में भ्रष्टाचार जो था वो 2013-14 से पहले ही था। जितनी महंगाई थी 2013 से पहले थी, ये रोज नृत्य करना सिलेंडर लेकर सर पर, नृत्य करना डांस करना शुरू कर देते थे सड़कों पर आकर, और रोज महंगाई है, भ्रष्टाचार है, 2G है, 4G है, क्या क्या है, और साहब 5G तो 1.5 लाख करोड़ में बिक गया, कोई खबर नहीं, कोई COG की रिपोर्ट नहीं, और 2G पे 1,76,000 करोड़ का फिस्टिशियस अमाउंट का एक आरोप लगा दिया जाता, बाद में वो CAG जो है माफी मांगता है कोर्ट में जाके, उस पर कोई खबर नहीं, कोई बातचीत नहीं। गन्ना के का सीजन आ रहा पेराई का, उत्तर प्रदेश में आनंद सिंह जी गन्ना गिरवा लिया गया है चीनी मिलों पर, और रेट नहीं लिखा गया है। कल हमारा संगठन भारतीय किसान असली ने गन्ना जलाने का काम शुरू कर दिया है, और जल्दी ही हम गन्ना भरेंगे सरकारी कार्यालयों में कि हमारा जब माल लूटी रहा तो तुम लूट लो। और हालत ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और विपक्षी दल उस मुद्दे को उठा नहीं रहे हैं, क्या कारण है? सरकार को कह तो सकते हो कि दाम दो, नहीं तो मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से कोरोना काल में करोड़ों लोग पैदल चले और उसके बाद नरेंद्र मोदी को फिर चुन लिया 2019 में, वो बालाकोट और उस तरह के जो पुलवामा के हमले और बालाकोट ने चुन लिया, एक नई तैयारी हो रही आनंद वर्धन सिंह जी कि हो सकता है 2024 का चुनाव जो है नरेंद्र मोदी POK पर लड़े। और मैं घोषणा कर दे रहा हूं अभी से कि 2-4-5 किलोमीटर POK के अंदर जाकर सेना बैठ जाएगी भारत की, और ये जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स हैं और इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वह मदद करेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोनों लोग एक ही तरह के हैं, क्योंकि उन्हीं के पैसे से ये भी चलते हैं, उन्हीं के पैसे इशारों पे वो भी चलते हैं, एक बीच में रास्ता बनेगा कि 4-5 किलोमीटर सेना बह रहने दो, चुनाव हो जाने दो, मोदी को फिर आ जाने दो, फिर वापस आ जाएगा। और गंभीर समस्या पंजाब में है, पंजाब में खेत मजदूर आंदोलन करते हैं और भगवत मान उनको पिटवाता है, ये अरविंद केजरीवाल पिटवाता है उसको, और उसके बाद साहब पंजाब के अंदर खालिस्तान के समर्थक लोगों की जो भीड़ चलती है उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है, यानी जो खालिस्तानी एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम करने वाले लोग हैं उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और जो अपनी मांगे रख रहे हैं उनको पीटा जा रहा है। नहीं प्रबल जी पुलिस प्रोटेक्शन का मैं एक आप दर्शकों को भी बता दूं, ये तो सरकार के हिसाब से शिवपाल ने अब थोड़ा सा वो दिखाया, अखिलेश के साथ चले गए तो उनकी कैटेगरी Z से घटा के Y कर दी गई, तो ये तो तापमान बढ़ता घटता रहता, पुलिस प्रोटेक्शन कोई नहीं। ये जो विपक्षी दल है इनको भी सोचना होगा, समझना होगा, तैयारी करनी होगी। लड़ाई जो है इतनी ज्यादा पेंट्रेशन है भारतीय जनता पार्टी की कि साहब मैं आपको बता के मुझे ताजुब हो रहा है कि मैं अभी एक जगह गया था और मैं उससे बात कर रहा था गांव के आदमी से कि महंगाई है, तो उसने कहा महंगाई है 12% विदेश में है, 7% हिंदुस्तान में है, अनपढ़ आदमी है। मैंने पूछा कहां से तुम्हें जानकारी है, TV से जानकारी है। विपक्षी दल खाटों का पंचायत नहीं कर रहे हैं, गांव में नहीं, वो रथ यात्रा लेकर निकलते, उत्तर प्रदेश में तो एक रथ यात्रा चलती है और हाथ ऐसे ऐसे हिलाते हैं, अब जवानी जिंदाबाद का नारा लगता है, बस उतने में खुश हो जाते, उतने में ही परिवर्तन हो जाता है, जनता के बीच में जाकर काम नहीं कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, मजदूरों के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, और आइसोलेट हो चुके हैं ये लोग। इनको भारतीय जनता पार्टी ने दो जातियों का, दो बिरादरियों का दल बनाकर रख दिया है, इन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, या तो मिला गुला गेम चल रहा है, या तो वही कॉर्पोरेट्स इनको भी पैसा दे रहे हैं, वही कॉर्पोरेट्स उनको भी पैसा दे रहे हैं।
मेरे मेरे एक दर्शक है मीना सक्सेना, जो कह रहे हैं कि दानिश की मौत पर भी प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले थे। दानिश का वो याद दिला रहे हैं जब अफगानिस्तान में उसने कवर करते हुए, अब लाइव कवर कर रहे थे उस युद्ध में, और उनकी मृत्यु हो गई थी। एक छोटा सा, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता था। इतना बड़ा युद्ध पैनल है, और ब्रजेश जी की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि इतनी बढ़िया अभिनय करते हैं नरेंद्र मोदी जी कि ग्लिसरीन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो कोलसे पाटिल जी हम सब में वरिष्ठ, रामाशंकर जी हैं, इन लोग के नेतृत्व में क्यों ना एक सिग्नेचर कैंपेन किया जाए कि ऑस्कर मिले अगर एक्टिंग का तो नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए, भारत की तरफ बैटल। देश स्वतंत्र राष्ट्र है, आप सिग्नेचर कैंपेन करिए, वहां करिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। खैर, मैं कश्मीर फाइल जैसी हमारी हर हालत हो जाएगी, कश्मीर फाइल जैसी नहीं, मैं सीरियस नोट पे ये कह रहा हूँ कि दानिश की मौत पे नहीं किया, और केवल मौत पे ही नहीं संवेदनहीनता होती है, जब कोई अच्छा करता है तो उसको भी नहीं करते हैं। रवीश कुमार को मैग्सेसे मिला था, एक शब्द इसका, अरे भाई तुम्हारे देश का पत्रकार है, मैग्सेसे मिलना देश के लिए बड़ी बात थी, और उस पर भी नहीं बोलते हैं। तो खैर मोदी जी का प्रबल, आपसे आधे मिनट में बिल्कुल, क्योंकि अब टाइम नहीं है, प्रबल एक चीज बहुत स्पेसिफिक से पूछ रहा हूं, और वो इसलिए पूछ रहा हूं कि दर्शकों को आज लोग इन सब चीजों को पूछ नहीं रहे हैं। उस समस्या ये है, आज के अखबार के सुबह के अखबार में निकला है कि LIC ने अडानी की 7 कंपनियों में पिछले 7-8 साल में जो पहले 0.5% 1% रहती थी स्टेक, 4% के ऊपर हो गई है। 74,142 करोड़ रुपया अडानी के 7 फर्म में LIC का लगवाया गया, और LIC हमारा आप जानते हैं कि LIC सरकार का वो पक्ष था कि जब कभी डॉलर टूटता था या कभी कोई मुश्किल आती थी तो कहा जाता था जरा मार्केट को संभालो। ये मार्केट को नहीं, अडानी को संभालने की बात हो रही है, और 74,142 करोड़ जिसमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से मना कर दिया, उन्होंने पैसा नहीं लगाया। मैं जरा जल्दी से, क्योंकि ये खतरा है देश के ऊपर, कितना कर्जा है, और LIC का पैसा और लगवा दे रहे हैं, और इसी बहाने उनको दुनिया का 2 नंबर और 4 नंबर और 1 नंबर वो कर रहे हैं। मैं थोड़ा से एक बहुत क्विक रिस्पॉन्स इस पे प्रबल जी, बहुत छोटा संक्षेप। देखिए मुझे तो लगता है कि अडानी और मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अडानी मुखौटा है, असली मालिक मोदी, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही बने इसीलिए हैं कि अडानी को फ्लोरिश कर सके। और जिस तरीके से अडानी को ऑस्ट्रेलिया से लेकर हिंदुस्तान के अंदर लोन दिलवाने का काम और ब्लॉक्स पर कोल ब्लॉक दिलाने का काम या कंपनियां दिलाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो स्वयं इस कंपनी के मालिक, क्योंकि कोई व्यक्ति इतनी ईमानदारी से किसी कंपनी को अगर बढ़ा रहा है तो उसी की कंपनी होगी, किसी दूसरी कंपनी के लिए नहीं करेगा। तो यह जो भी दिखता है कि माफ करिएगा कि अमित शाह बनने वाले हैं प्रधानमंत्री, योगी आदित्यनाथ और केजरीवाल, ये सब उनके जो हैं कठपुतली हैं, असली जो मालिक हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, और उनका जो कंसल्टिंग ग्रुप है वो है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो RSS के एजेंडे को चलाने के लिए नरेंद्र मोदी को समय समय पर किस तरीके से काम करना हो रहा है। और सही कह रहे थे पीएमओ विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के जो पूर्व सदस्य रहे अजीत डोभाल, पीके मिश्रा, एनके मिश्रा और सभी लोग, ये लोग पीएमओ को संभाल रहे हैं और पीएमओ काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी फुर्सत से है, उनको पटकथा दे दी जाती है, टेली प्रॉम्प्टर कभी कभी गड़बड़ हो जाता है तो कभी बेटी बचाओ की जगह बेटी पटाओ आ जाता है, इस तरह की बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं उनसे, तो ये गलतियां होती रहती हैं। तो यह सब स्थितियां हैं, तो यह जो स्थिति जो आप बता रहे हैं ये देश के लिए बहुत घातक है, बहुत परेशानी का है। और अब तो मैं फिर से यही कहूंगा, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, लोगों को जनता को उतर कर आंदोलन करना पड़ेगा आने वाले समय में, नहीं तो यह देश नहीं बचने वाला है, गुलामी फिर से आने वाली है, हम सब गुलाम हो जाएंगे, दिखने के लिए हम स्वतंत्र रहेंगे, एक्चुअल हम गुलाम हो जाएंगे।